नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के शिकायत के निवारण के लिए विभाग की ये पहल। प्रदेश में चलाया जाएगा दस्त की रोकथाम के लिए अभियान। प्रदेश के 534 प्रखंडों पर जल्द होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली। सिलाई मशीन ऑपरेटर का मिल रहा प्रशिक्षण। बिजनेस के लिए लोन की भी मिलेगी सुविधा। प्रदेश के सभी अंचलों में जमीन सर्वे का काम इस दिन से होगा शुरू। व्हाट्सएप के जरिए अब किसी भी भाषा में बात करना होगा आसान। चौथे T20 मैच में जिम्बाब्वे को हराकर भारत ने T20 सीरीज पर किया कब्जा। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीमा सुरक्षा बल ने पैरा मेडिकल स्टाफ ग्रुप के लिए निकाली भर्ती। सीमा सुरक्षा बल ने पैरा मेडिकल स्टाफ ग्रुप में ग्रुप बी और ग्रुप सी लड़ाकू पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसके आवेदन की अंतिम तारीख 17 जून थी। अब इसे बढ़ाकर 25 जुलाई कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 12वीं पास किया हो और उनकी आयु सीमा अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के शिकायत के निवारण के लिए विभाग की ये पहल। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के शिकायत के निवारण के लिए विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। इस कोशिश के तहत एकीकृत ओमनी चैनल CRM प्रणाली विकसित की जा रही है, ताकि इसके माध्यम से उपभोक्ताओं के जरूरतों को ध्यान में रखकर सभी स्तर से कार्य किया जा सके। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल आधारित ऐप के जरिए डेटा प्राप्त हो सकेंगे। साथ ही इस डेटा के जरिए ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि किसी शिकायत के निवारण में देरी क्यों हो रही है। साथ ही इसका भी पता लगेगा कि इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। प्रदेश के सभी अंचलों में जमीन सर्वे का काम इस दिन से होगा शुरू। इस महीने से प्रदेश के सभी अंचलों में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। सभी जिलों से VC के जरिए अगले 2 महीने तक हर सप्ताह बैठक होगी, फिर उच्च स्तर पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सर्वे शुरू करने से पहले प्रचार प्रसार और माइकिंग सहित स्वघोषणा यानी प्रपत्र 2 बांटने का काम कुछ दिनों में शुरू किया जाएगा। ये स्वघोषणा जमीन मालिकों के बीच किया जाएगा। अंचल के कर्मचारी द्वारा स्वघोषणा पत्र बांटे जाएंगे। इसे लेकर कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। इस मामले में जिला के बंदोबस्त पदाधिकारियों और समाहर्ताओं को मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बैठक के दौरान निर्देश दिया है। प्रदेश में चलाया जाएगा दस्त के रोकथाम के लिए अभियान। बिहार में दस्त के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दस्त से राज्य में होने वाली शिशु मृत्यु दर को शून्य स्तर तक लाने के उद्देश्य से गत कई वर्षों से सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष सघन दस्त पखवाड़ा को दस्त की रोकथाम अभियान 2024 के नाम से क्रियान्वित किया जाएगा। 23 जुलाई से 22 सितंबर पूरे 2 महीने तक इस अभियान का आयोजन प्रदेश में होने वाला है। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय और सहभागिता स्थापित कर इस अभियान को सफल बनाने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले दस्त की रोकथाम का उद्देश्य राज्य में डायरिया के प्रसार को कम करना और इससे होने वाले शिशु मृत्यु का शून्य स्तर प्राप्त करना है। शिक्षा विभाग ने किया आगाह, ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाने वाले शिक्षकों का रुकेगा वेतन। सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाई जा रही है। हालांकि अभी भी कई ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान पर रोक लगाने को लेकर आगाह किया है। विभाग द्वारा ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों को कहा है कि विभागीय आदेश नहीं मानने वाले शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। जुलाई का वेतन भुगतान भी नहीं होगा। जिन शिक्षकों ने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है, उनकी सभी जिलों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। विभाग द्वारा कहा गया है कि केवल उन्हीं शिक्षकों को वेतन भुगतान मिलेगा जिन्होंने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। 18 जुलाई तक कुशल युवा प्रोग्राम के अंतर्गत ले सकते हैं नामांकन। बिहार के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा बिहार कुशल
युवा प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके अभी तक लाखों युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। इसमें नामांकन की अंतिम तारीख 18 जुलाई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों में जरूरी कुशल प्रदान कर युवाओं को रोजगार के योग्य बनाना है। इस प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप 1800123625255 पर कॉल कर सकते हैं। भारतीय घरेलू क्रिकेट सत्र के कार्यक्रम की घोषणा के साथ इस ग्रुप में खेलेगा बिहार। भारतीय घरेलू क्रिकेट सत्र 2024-25 के कार्यक्रम की घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की तरफ से कर दी गई है। दलीप ट्रॉफी से सत्र की शुरुआत की जाएगी, फिर 5 लीग मैच ईरानी कप और रणजी ट्रॉफी के लिए होंगे। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी व विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत सफेद गेंद टूर्नामेंट से होगी। रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में बिहार खेलेगा। ये ग्रुप सी में है। इसमें बिहार के अलावे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब की टीमें भी खेलेंगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे प्रेतशिला पहाड़ी के बारे में। प्रेतशिला पहाड़ी बिहार के गया जिले में स्थित है। प्राकृतिक रूप से ये पहाड़ी जितनी खूबसूरत है, धार्मिक रूप से भी इसका उतना ही महत्व है। दो गया में स्थित इस पहाड़ी को धुंगेश्वर के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्त करने से पहले इसी स्थान पर रुके थे। इस पहाड़ी से आप ब्रह्मकुंड और शहर की खूबसूरती का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अभी के सुहावने मौसम में तो ये जगह और भी खूबसूरत दिखते हैं। प्रदेश के 534 प्रखंडों में जल्द होगी डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली। कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सुनहरा अवसर मिला है। दरअसल बिहार में विभिन्न विभागों में 1430 नए पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 534 प्रखंडों में डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य बहाली शामिल है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक जल्द ही विभाग इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। जिन पदों पर बहाली होगी उसमें शिक्षा विभाग में भी विभिन्न पद शामिल हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप किसी भी भाषा में बात करना होगा आसान। व्हाट्सएप के जरिए आप किसी भी भाषा में बात करना आसान है। व्हाट्सएप जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर यह सुविधा भी लेकर आएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। इसकी जानकारी WABETA INFO की तरफ से दी गई है। इसके मुताबिक गूगल लाइव ट्रांसलेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप ऐसा कर सकेंगे। इसके लिए व्हाट्सएप यूजर्स को शुरुआत में इस फीचर के इस्तेमाल के लिए लैंग्वेज पैक डाउनलोड करना होगा, जो वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की सुविधा देगा। उम्मीद है कि जल्द ही व्हाट्सएप यूजर्स के लिए ये फीचर रोल आउट कर दिया जाए। सिलाई मशीन ऑपरेटर का मिल रहा प्रशिक्षण, बिजनेस के लिए लोन की भी मिलेगी सुविधा। बिहार के बेगूसराय में एक बैंकिंग संस्था द्वारा निःशुल्क सिलाई मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाई जा रही है। बेगूसराय में UCO RCT में 30 दिनों तक सिलाई मशीन का प्रशिक्षण जुलाई महीने में उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है। बढ़ती बेरोजगारी के समय में ये प्रशिक्षण किसी के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। यदि आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप BPL परिवार से अपना संबंध रखते हो। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड या फिर आर्थिक जनगणना सूची, पासपोर्ट साइज 2 फोटो और बैंक पासबुक होना जरूरी है। 1 महीने के इस कोर्स के लिए इंटर पास होना भी जरूरी है। इस प्रशिक्षण के बाद आप आसानी से यूको बैंक से बिजनेस के लिए लोन भी ले सकते हैं। बारिश के समय में गंदे कूलर से डेंगू और चिकनगुनिया का बढ़ सकता है खतरा। बारिश के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सभी मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। ऐसे में आपके घर में रखा कूलर इस मामले में आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस बारिश के मौसम में अपने कूलर की सही तरीके से आप सफाई करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हफ्ते में 2 बार कम से कम कूलर के टंकी के पानी को पूरा ड्रेन करके इसके टंकी की सफाई करें, ताकि इसमें मच्छर के पनपने का खतरा ना हो। इसे आप ब्लीचिंग पाउडर से भी साफ कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मच्छर के अंडों को नष्ट कर देता है। इसके अलावा जब आप कूलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे ढक कर रखें, ताकि मच्छर का प्रवेश अंदर ना हो, कूलर में लीकेज नहीं हो, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। बिहार में बाढ़ के बढ़ते खतरे के बीच ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर। बिहार में लगातार बारिश के बाद बढ़ते बाढ़ के खतरे में नदियां भी उफना गई हैं। बीते दिन खबर लिखे जाने तक गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में 74 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में बागमती नदी खतरे के निशान से 73 सेंटीमीटर ऊपर है। रूनी सैदपुर में बागमती
नदी खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर है। इसके अलावा मधुबनी जिले के झंझारपुर में कमला बलान नदी खतरे के निशान से 116 सेंटीमीटर ऊपर है। इसकी जानकारी केंद्रीय जल आयोग द्वारा मिली है। नदियों के इस स्थिति में जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीम लगातार नजर रख रही है। इस योजना के तहत किसान नारियल पौधा वितरण का लाभ उठा सकते हैं। किसान भाई प्रदेश में चल रहे पौधा वितरण कार्यक्रम 2024-25 की योजना के तहत नारियल पौधा वितरण का लाभ ले सकते हैं। इसकी जानकारी आईपीआरडी बिहार पर मिली है। प्रति पौधा इकाई लागत 85 रुपए है। वहीं सहायता अनुदान लागत के रूप में 85 रुपए का 75% यानी 63.75 रुपए दिए जाएंगे। ये नारियल पौधा नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से प्राप्त कर कृषकों को सहायक निदेशक उद्यान द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। पौधा प्राप्ति के पहले पौधा कृषक अंश 21.25 पैसे की दर से सहायक निदेशक उद्यान के यहां जमा करना होगा। कृषक को न्यूनतम 5 और अधिकतम 712 पौधे अनुदानित दर पर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 1 हेक्टेयर में करीब 178 पौधे लग सकते हैं। ना करें ये गलती वरना आपके राशन कार्ड को किया जा सकता है कैंसिल। कई बार लोग राशन कार्ड बनवाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे उनका राशन कार्ड ही कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी गलतियां आप अक्सर कर देते हैं और किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है जिससे आप इन गलतियों को करने से बच सकें। इसमें सबसे कॉमन गलती है कि राशन कार्ड बनवाने के बाद उसका लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना। यदि आप इसका इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं करते हैं तो इसे नॉन एक्टिव राशन कार्ड मानकर सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरी वजह है फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाना। ऐसे राशन कार्ड को सरकार चिन्हित करने के बाद कैंसिल कर देती है। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं और आप ईकेवाईसी भी नहीं करवाते हैं तो उस वजह से भी आपके राशन कार्ड को कैंसिल किया जा सकता है। हालांकि यदि आपको लग रहा है कि इन सबके नहीं होने के बाद भी बेवजह आपके राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया है तो आप इसकी शिकायत राशन कार्ड कार्यालय में कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज देने होंगे, फिर आपके राशन कार्ड को चालू कर दिया जाएगा। प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट हुआ जारी। प्रदेश में कई जगहों पर मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है। कई जगहों पर लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अररिया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण और सुपौल में किया 2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को बेऊर जेल से सीबीआई दफ्तर लेकर पहुंची टीम। नीट पेपर लीक मामले में बीते दिन सीबीआई की टीम ने बेऊर जेल से 13 आरोपियों को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर लेकर पहुंची। अब यहां आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि ये सभी आरोपी 15 दिन के रिमांड पर लिए गए हैं। इन आरोपियों को पटना पुलिस ने 5 मई को ही गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी पेपर लीक की शिकायत मिलने के बाद हुई। इन 13 आरोपियों में 4 नीट अभ्यर्थी हैं। इन्होंने नीट पेपर लीक के बात को स्वीकार किया था। उन्होंने बताया था कि परीक्षा से पहले उन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध हो गए थे। लगातार हो रही बारिश के बीच सब्जी के दाम छू रहे आसमान। इन दिनों प्रदेश में चल रहे मॉनसून के बीच खाने का स्वाद भी बिगड़ गया है। दरअसल इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं जिससे एक मिडिल क्लास परिवार कोई भी सब्जी लेने से पहले सोच रहा है। सब्जियों के बढ़ते दाम से आम लोगों का बजट भी थोड़ा डाबाडोल हो चुका है। इन दिनों बाजार में शायद ही कोई ऐसी सब्जी हो जो 45 रुपए से नीचे में मिले। आलू, प्याज, टमाटर और धनिया से लेकर कई हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने के साथ ही खाद्य पदार्थों में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। 11वीं में एडमिशन लेने के लिए बिहार बोर्ड के बच्चे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अंक पत्र। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अंक पत्र जारी किया है। ये अंक पत्र वेबसाइट https://results.biharboardonline.com/secondary24 पर जारी किए गए हैं। आप इसे इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने इस संबंध में कहा है कि वैसे छात्र छात्राएं जिन्हें राज्य या राज्य के बाहर किसी शिक्षण संस्थान में नामांकन कराना है वे समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध अंक पत्र को डाउनलोड करके इसका उपयोग नामांकन के लिए कर सकते हैं।
इतने वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी ने रुपौली सीट से कलाधर मंडल और बीमा भारती को दी मात। अभी तक रुपौली विधानसभा उपचुनाव में मुख्य मुकाबला राजद प्रत्याशी बीमा भारती और जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल के बीच माना जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के ही प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह के सामने हार गए और शंकर सिंह की इस चुनाव में भारी मतों से जीत हुई है। बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही तो वहीं जदयू प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। शंकर सिंह के पक्ष में करीब 68,070 वोट आए हैं तो वहीं कलाधर मंडल इनसे करीब 8,246 वोटों से हारे हैं। कलाधर मंडल के पक्ष में 49,824 वोट आए थे। बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही और इनके पक्ष में महज 30,619 वोट ही पड़े हैं। जदयू और राजद प्रत्याशी की हार पर पप्पू यादव ने ठहराया जिम्मेदार। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी बीमा भारती की करारी हार हुई है। इस हार के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा है कि वो राजद की तरह काम करते हैं, प्रचार के अंतिम दिन गए और पिकनिक मनाकर चले आए। वहीं जदयू प्रत्याशी की हार पर पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने रुपौली के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है, जिससे यहां की जनता नाराज है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी है जो यहाँ निश्चित तौर पर विकल्प बन सकती है, इसलिए मैं कांग्रेस को सचेत कर रहा हूँ। चौथे T20 मैच में जिम्बाब्वे को हराकर भारत ने सीरीज पर किया कब्जा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला शनिवार 13 जुलाई को खेला गया। मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस मैच में जिम्बाब्वे ने जीत के लिए भारत के सामने 7 विकेट खोकर 153 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत की ओर से खलील अहमद ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। वहीं तुषार देश पांडे, वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज की, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतकीय और सुमन गिल ने अर्धशतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ इंडिया ने सीरीज पर कब्जा कर लिया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1636 में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था। आज के दिन वर्ष 2008 में वाईवी चंद्रचूड़ दुनिया को अलविदा कह गए थे। ये भारत के भूतपूर्व 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। आज के दिन देश बंधु गुप्त का जन्म हुआ था। ये पेशे से एक प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। आज के दिन वर्ष 1856 में गोपाल गणेश आगरकर का जन्म हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल द्वारा दिए जा रहे फ्री सोलर चूल्हा के बारे में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर में इंडियन ऑयल द्वारा फ्री में सोलर चूल्हा देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। इंडियन ऑयल द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर किया है और इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर तरह की खबरों की बिना सत्यता जाँच की यकीन करने से बचें। इस दिन तक भारत बन सकता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश। भारत अभी पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा ने एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत की मजबूत बुनियाद और अंतर्निहित क्षमता को देखते हुए इस देश 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये बात उन्होंने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है हाजीपुर, ऑप्शन डी है मुंगेर। इसका सही उत्तर है हाजीपुर। बिहार के किस स्थान पर जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए है बक्सर, ऑप्शन बी है चंपारण, ऑप्शन सी है चौसा, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है चौसा। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 8 जुलाई, ऑप्शन बी है 10 जुलाई, ऑप्शन सी है 9 जुलाई, ऑप्शन डी है 12 जुलाई। इसका सही उत्तर है 10 जुलाई।
हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर अबू धाबी। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है? ऑप्शन ए है दिनेश मोहनिया, ऑप्शन बी आलोक राठी, ऑप्शन सी है डॉक्टर पूनम गुप्ता, ऑप्शन डी अमित गोयल। इसका सही उत्तर है डॉक्टर पूनम गुप्ता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है अंशु कुमार, धीरेन्द्र ठाकुर, निर्दोष कुमार, अभिनंदन ठाकुर, श्याम सुंदर, अमित कुमार, भरत प्रसाद, अजीत कुमार, राजीव कुमार, नुनू गोलू कुमार, मुन्ना कुमार, रजनी सिंह, राजकुमार महतो, धीरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। रात का सवाल है, आपकी पसंदीदा हरी सब्जी कौन सी है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।